हेलो होटेलियर्स, होटल इंडस्ट्री में आपने OTAs एंड मेटा साइट्स ये वर्ड्स तो बहुत बार सुना होगा, बट एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है एंड दोनों के रिस्पेक्टिव फंक्शंस क्या है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे OTAs की। OTA means online travel agents, जैसे GoIBIBO, Booking.com, MakeMyTrip, ये सारे OTAs पे हम अपने होटल्स के लिस्टिंग करते हैं एंड एक फिक्स्ड कमीशन अमाउंट देके ऑनलाइन बिजनेस ड्राइव करते हैं। वही मेटा साइट्स का मतलब होता है कि एक ऐसी साइट जहाँ पे ये सारे OTAs आपके होटल के लिए बिडिंग करते हैं एंड बेस्ट प्राइस डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि Google, TripAdvisor, Trivago। बहुत सारे होटल्स OTAs पे तो लिस्टेड होते हैं बट मेटा साइट्स पे उनकी लिस्टिंग नहीं होती है, या कह सकते हैं उनकी विजिबिलिटी बहुत लो होती है, एंड दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई योर ऑनलाइन सेल्स इज लेस। तो अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि हम OTAs पे तो लिस्टेड है पर क्या मेटा साइट्स पे भी लिस्टिंग होना जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। बिकॉज एज पर द स्टैटिस्टिक्स, जो भी बुकिंग्स आपको OTA से आती है उसका 40% ऑफ द बुकिंग्स मेटा साइट से रीडायरेक्ट होकर आती है। मीनिंग जब भी कोई गेस्ट आपका OTA से बुक करता है वो पहले मेटा साइट्स पे जाके पूरे प्राइसेस कंपेयर करता है एंड तब जाके आपका होटल बुक करता है। मेटा साइट्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है गेस्ट रिव्यूज। ये सारे मेटा साइट्स पे गेस्ट रिव्यूज भी पोस्ट करते हैं, इसलिए एक होटल को बहुत जरूरी होता है कि वो अपना ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इन मेटा साइट्स पे अच्छी तरह से मेंटेन करें। लास्टली, मेटा साइट्स एंश्योर करते हैं कि आपके होटल्स को बुकिंग बहुत सारे पोर्टल से आ रही है, आप सिर्फ एक या दो पोर्टल पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारे रीजंस है कि आपके होटल का लिस्टिंग मेटा साइट्स पे क्यों होना चाहिए, एंड अगर आपको आपके होटल के ऑनलाइन सेल इंक्रीज करना है तो गेट लिस्टेड ऑन दिस मेटा साइट्स। इन केस यू नीड एनी हेल्प, गेट इन टच विद हॉस्पिटैलिटी माइंड्स।